नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जब बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स है जीरो टू हीरो, इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि एफिलिएट मार्केटिंग के लिए जो सबसे बड़ा टूल होता है एफिलिएट मार्केटर के पास में, वो होता है उसकी खुद की वेबसाइट। तो एक वेबसाइट को बहुत अच्छे तरीके से किस तरह से डिजाइन करा जाता है। अब बात आती है डिजाइनिंग की, तो हमारे माइंड में बहुत सारे सवाल आते हैं कि क्या हमें अब HTML कोडिंग वगैरह सीखनी पड़ेगी, PHP लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, JavaScript वगैरह सीखनी पड़ेगी क्या वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए। तो आंसर इज नो, आपको कोई भी ऐसी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि यहां पे जो है विदाउट कोडिंग आप अपनी वेबसाइट बहुत अच्छे तरीके से किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, किस तरह से आप लोग जो है अपनी वेबसाइट को एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ले जा सकते हैं, ये आज के इस वीडियो में जो है मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं हूं मजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल वर्ल्ड बाय। वेबसाइट को सेटअप करने के लिए मैं आपके पास यहां पे एक डोमेन है मेरे पास, मैं डोमेन का भी मैं आपको यहां पे रिफ्रेश करके दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं अभी तक इसके अंदर कोई भी वेबसाइट जो है डिजाइन नहीं करी गई है, और ये है इसका सी पैनल, जहां से जो है लाइनेक्स का पैनल है जिसके थ्रू जो है पूरी वेबसाइट को आपको सेटअप करना है। तो सेटअप करने के लिए मैं को आपको लेके चलता हूं अभी सीधा हमारे वर्डप्रेस के ऊपर, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं वर्डप्रेस के जरिए जो है आप कितने आसान बहुत आसानी से जो है किस तरह से अपनी एफिलिएट मार्केटिंग जो है वेबसाइट सेटअप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे नीचे साइड पे आओगे, यहाँ पे जो है आपको क्लिक करना है वर्डप्रेस के ऊपर। जैसे ही आप यहाँ पे वर्डप्रेस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब इसके ऊपर आपको जो है यहाँ पे क्लिक इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद जो है आप देखोगे इस तरह का आपको मिलेगा, यहां पे आपको सेलेक्ट कर लेना है HTTPS, ताकि आपको जो है आपकी वेबसाइट जो है एक सिक्योर टनल पे चल सके। अगर आपकी वेबसाइट के आपके सर्वर के ऊपर SSL सर्टिफिकेशन नहीं डला है तो आपको उसके लिए डालना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं अ ट्रस्टेड SSL सर्टिफिकेट वाज नॉट फाउंड, लेकिन इसका इंस्टॉलेशन के लिए मैंने ऑलरेडी जो है प्रोसेस कर दिया है, तो थोड़ी देर में अपडेट भी हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे इसको इंस्टॉल करूंगा। अब इसके बाद यहाँ पे इन डायरेक्टरी में WP लिखा होता तो हम यहाँ पे WP को हटा देंगे ताकि हम जो है इसको रूट के ऊपर इंस्टॉल कर सके। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे आपकी साइट का नाम जो है यहाँ पे लिखना होता है। से फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है ना, एफिलिएट मार्केटिंग लिख देता हूं। और यहाँ पे जो है वापस से आपको साइट का डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, तो हाल फिलहाल के लिए यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग ही लिख देता हूं। आगे चल के आप इसको चेंज कर सकते हैं, कहां से चेंज करेंगे कैसे चेंज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना एडमिन का नाम, जो भी आपका यूजर नेम बैक पैनल का रखना है वो रख सकते हो, और उसके बाद जो भी आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है तो आप पासवर्ड यहाँ से डाल सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी एडमिन की एक ईमेल आईडी देनी होती है। अब चाहे आप यहाँ पे एडमिन लिखो या पे आप कोई दूसरा ईमेल आईडी क्रिएट करके रखो, लेकिन आपकी खुद के डोमेन की ही होनी चाहिए, ये आपका रिकमेंडेड है। अभी मैं यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर रहा क्योंकि बाद में मैं इसको हटा देने वाला हूं, तो ये मेरा डोमेन सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं यूज कर रहा हूं। तो यहाँ पे इसके बाद आपको सीधा नीचे आना है, ये करने के बाद जो है यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे इंस्टॉल करोगे तो विद इन सेकेंड्स के अंदर ही आपका जो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। तो आप देखते हैं यहाँ पे लिख के आ गया कॉन्ग्रेचुलेशन दी सॉफ्टवेयर वॉज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। तो अब वापस से यहाँ पे जो हमने वेबसाइट ओपन करी थी इसी को वापस एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो आपकी जो अभी इंस्टॉल हुआ है वो आपके सामने विजिबल हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये जो है आपका कुछ इस तरह का सॉफ्टवेयर जो अभी वर्डप्रेस की जो साइट है वो आपकी यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखने वाली है। तो इसके बाद हम चलते हैं सीधा बैकग्राउंड यहाँ पे इसके बैक पैनल पे। तो बैक पैनल पे लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो अभी जो है यहाँ पे आपका पूरा प्रॉपर तरीके से अपडेट नहीं हुआ। तो आपका फर्स्ट टाइम जब आप डोमेन यूज करोगे तो ब्राउजर जो है आपको यहाँ पे एक पोटेंशियल रिस्क दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको एडवांस में कर सकते हो क्लिक, और उसके बाद में यहाँ पे एक्सेप्ट दी रिस्क एंड कंटिन्यू। ये फर्स्ट टाइम में आपको कभी दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या अभी तक इसका जो हमारे SSL का जो सर्टिफिकेशन है वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि आप देखते हैं यहाँ पे येलो मार्क आ रहा है, इसी वजह से ये मैं आपको मैसेज दे रहा था।
अदरवाइज अगर आपका ये आपका SSL सर्टिफिकेशन जो है वो कंप्लीटली पूरा अपलोड हो जाएगा, प्रॉपर सक्सेसफुली काम करेगा, तो आपको ये येलो मार्क का दिखाई नहीं देगा और ये जो आपको एरर मैसेज दिखा था वो भी आपको दिखाई नहीं देगा। अब यहाँ पे जो है आप देखते हैं ये आपका वर्डप्रेस जो है इंस्टॉल हो चुका है, ये आपका बैक पैनल है वर्डप्रेस का। तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको एडवांस में बता दूं जो आपको करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका होम होता है जो कि इसका डैशबोर्ड, डैशबोर्ड के ऊपर बहुत सारी चीजें होती है, इसको किस तरह से यूज करना है आगे चल के बताऊंगा। इसके बाद होता है यहाँ पे पोस्ट, पोस्ट के अंदर जो है हम बहुत सारे अलग अलग पोस्ट वगैरह यहाँ पे लिखने वाले हैं। जब इस सेक्शन के ऊपर पहुंचेंगे तब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि किस तरह से आपको पोस्ट वगैरह लिखने होते हैं। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे मीडिया, जो भी आपकी इस वेबसाइट के ऊपर जो है आपकी इमेजेस वगैरह होंगी, आपकी वीडियोस फाइल होंगी या और भी लाइब्रेरी से रिलेटेड कोई भी चीज होगी तो यहाँ पे आपको दिखाई दे देगी। इसके बाद आपका आता है पेजेस, तो पेजेस के अंदर जो आपके पेज जो आपके दिखाई देते हैं वो आपके यहाँ पे क्रिएट होते हैं। अभी इन पेजेस को किस तरह से क्रिएट करा जाता है वो सारी चीजें आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके बाद आपकी वेबसाइट के ऊपर जब भी आप पूरे पेजेस डालोगे, प्रोडक्ट लिस्ट करोगे, उनके ऊपर आपके पास कमेंट्स वगैरह आएंगे, तो ये कमेंट जो है आपको यहां पर दिखाई देंगे, ये सारे कमेंट्स आपको यहां पे दिखते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि वो वैलिड कमेंट है तो आप उसको अप्रूव या अनअप्रूव वगैरह यहां से कर सकते हो। अगर आप उनको हटाना चाहते हो तो यहां से थ्रैश पे क्लिक करके आप उसको हटा भी सकते हो। अब यहां पे अपीयरेंस में जाके थीम, कस्टमाइजेशन, विजेट और मेनू वगैरह जो है यहां पे अपडेट किए जाते हैं, और कोई भी नए प्लगइन्स वगैरह आपको इंस्टॉल करने हैं तो यहाँ पे प्लगइन पे क्लिक करके आप इंस्टॉल प्लगइन वगैरह कर सकते हैं। तो आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आपको कौन कौन से प्लगइन का आपको इस्तेमाल करना है वो सारी चीजें भी बताने वाला हूं। इसके बाद आपके यूजर्स, तो यूजर्स के अंदर जो है अभी हाल फिलहाल एडमिन है, जैसे जैसे आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई यूजर अगर आप रजिस्ट्रेशन ऑप्शन जो चालू रखते हो तो आपको बहुत सारे यूजर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके बाद आता है आपका टूल, टूल के अंदर जो है आपके काफी सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह के डेटा जो है वो सारी चीजें मिलेंगी हमारे आगे देखेंगे। उसके बाद आपका आता है सेटिंग्स, सेटिंग्स के अंदर आपके जर्नल है, राइटिंग है, रीडिंग है, डिस्कशंस है, ठीक है ना, मीडिया है, परमा लिंक्स वगैरह है, प्राइवेसी वगैरह है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे मैं आपको जो है किस तरह से आप अपनी वेबसाइट को बहुत खूबसूरत तरीके से डिजाइन कर सकते हैं एफिलिएट प्रोग्राम के लिए वो मैं आपको आने वाले वीडियोस के अंदर जो है बताने वाला हूं। सो दोस्तों अभी जो है आप देखते हो आपकी वेबसाइट जो है कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। अगर मैं यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम पोस्ट पे चलते हैं। पोस्ट पे जाने के बाद यहाँ पे मैं एक नया पोस्ट ऐड करता हूँ, सिर्फ एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ आपको, इस पे मैं कोई काम नहीं करने वाला हूँ। तो यहाँ पे कुछ आपको बहुत सारे अलग अलग ब्लॉक साइज के जो है इस तरह के आपको पैराग्राफ मिलेंगे, मोस्ट यूज इमेजेस करनी है, हेडिंग इंसर्ट करनी है, आपको गैलरी बनानी है, लिस्ट बनाना है, कोट्स बनाने हैं, तो अगर आपको वीडियोस वगैरह बनाने, तो बहुत सारी तरीके के फॉर्मेट्स वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है, टेबल आपको क्रिएट करने हैं, ठीक है ना। अब लेआउट्स एलिमेंट्स में अगर आपको कुछ कॉलम वगैरह डिजाइन करने तो आप यहां से कर सकते हो। विजेट्स वगैरह में जाके आप अगर कैलेंडर वगैरह, लेटेस्ट पोस्ट वगैरह, अगर टैग क्लाउड वगैरह आप यहां पे करना चाहते हो तो शॉर्ट कोड वगैरह डालना चाहते हो वो कर सकते हो। अब यहाँ पे फॉर्मेटिंग्स के अंदर आप ये सारी चीजें कर सकते हो। यहाँ पे कॉमन बुक ब्लॉक्स के अंदर जो है आप काफी सारी चीजें कर सकते हो, जैसे वीडियो फाइल वगैरह आपको इंसर्ट करनी है तो यहाँ पे से फॉर एग्जांपल अभी क्या मैं करता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं करता, यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ टेस्ट, है ना, आपको दिखाने के लिए टेस्ट देता हूँ। यहाँ पे भी हम एक क्या करते हैं, यहाँ पे टेस्ट लिख देते हैं और सीधा जाके इसको मैं पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ, ये मैंने पब्लिश कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे फ्रंट साइड पे वापस से इसको अपडेट करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखते हो यहाँ पे हमने जो ब्लॉक टेस्ट अभी मैंने बनाया है वो आपका यहाँ पे दिखाई देने लग गया। तो वापस इसके होम पेज पे आते हैं तो आप देखते हो हेलो वर्ल्ड जो है वो नीचे साइड पे आ गया क्योंकि ये आपका लेटेस्ट पोस्ट है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कोई एक इमेज एड करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके एक इमेज एग्जाम्पल के लिए कोई एक इमेज एड करता हूँ, तो यहाँ पे अपलोड करता हूँ। अपलोड करके से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये मैं एक इमेज ऐड कर देता हूं, तो ये मैंने एक इमेज ऐड करी ये वाली, और ऐड करने के बाद मैं इसको अपडेट कर देता हूं, ठीक है ना। अब मैंने यहां पे अपडेट कर दी, अब अगर मैं यहां पे जाके इसको रिफ्रेश करता हूं तो जैसे रिफ्रेश करता हूं आप देख सकते हो यहां पे जो हमने इमेज डाली थी वो यहां पे डिस्प्ले होने लग गई है। अब इसके बाद जो है इस तरह से अभी ये कुछ सिस्टमेटिक नहीं दिख रहा, जो भी चीजें हम कर रहे हैं वो सिस्टमेटिक नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है ना। अभी इसको सिस्टमेटिक बहुत बेहतरीन तरीके से किस तरह से इसको सेट किया जाता है वो जो है आने वाले वीडियोस के अंदर जो है वन बाय वन सारे स्टेप्स आपको मैं बताने वाला हूं। सो दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ में। आई एम श्योर कि आपने जो है अभी तक कोर्स को पूरा
फॉलो कर रहे होंगे। अगर फॉलो कर रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आपके पास टाइम है तो जल्दी से डोमेन किस तरह से बुक करना है वो भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, वेब होस्टिंग कहां से आपको परचेस करनी है वो भी मैं बता चुका हूं, जल्दी से आप वो कर लें। उसके बाद आपकी वेबसाइट को सेटअप मेरे साथ में करते चले ताकि जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे ताकि आपको भी जो है अपनी वेबसाइट जो बिल्कुल सेट कर पाए और आने वाले वीडियोस के साथ साथ में जो है आप अपनी वेबसाइट को बहुत बेहतरीन तरीके से डिजाइन कर लेंगे और जो है आपकी एफिलिएट के लिए आपकी वेबसाइट पूरी तरह से कंप्लीटली रेडी हो जाएगी। और उसके बाद जो है आपको सिर्फ प्रोडक्ट डालने हैं और अपनी एफिलिएट मार्केटिंग से जो है इनकम स्टार्ट करनी है। सो दोस्तों आई एम श्योर वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे साइड पर सब्सक्राइब का बटन उसको दबा के सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो अगर आपको वीडियो के अंदर कोई भी डाउट है, कोई भी आपकी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।